नारी ने अपने श्रम से कला के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इनमें कुछ ऐसी देवियां हैं जो मानव जाति के लिए एक मिसाल बन गई है और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि समाज एवं समाज के बंधन उनके हाथों का महज एक रंग और कागज है। आज हम एक ऐसे ही हस्ती के बारे में जानने वाले हैं। कहते हैं आप जितना दर्द सहते हैं आपका व्यक्तित्व उतना ही विशाल बन जाता है। आपकी आत्मा पर चोट के निशान ही आपके चरित्र को मजबूत और महान बनाते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत महिला कला के जगत में एक संघर्षमय जीवन बिताकर अपनी छाप छोड़ गई। उनका नाम है फ्रिडा कहालो। फ्रिडा कहालो का जन्म 6 जुलाई 1907 में मेक्सिको में हुआ था और महज 47 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी कला उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है। बल्कि कई बार तो कलाकार जाने के बाद उसकी कला और निखर कर सामने आती है। फ्रिडा कहालो को बचपन में ही पोलियो नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक पैर छोटा रह गया। इस शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्हें स्कूल में परेशान किया जाता था, लेकिन उनके सपने परेशान नहीं हुए, वो विचलित नहीं हुई। लेकिन इसी कारण उनकी माँ हमेशा उदास रहती थी। बट शी वॉज वेरी क्लोज टू हर फादर। उनके पिता प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे एंड शी फ्रिक्वेंटली असिस्टेड हिम इन हिज स्टूडियो वेयर शी एक्वायर्ड अ शार्प आई फॉर डिटेल्स। फ्रिडा को मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था। वे डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रही थी कि अचानक 18 साल की उम्र में उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने उनकी बस को टक्कर मार दी और बस की हैंडल उनके शरीर को भेदती हुई निकल गई। उनकी कमर 3 जगह से टूट गई और कॉलर बोन भी गहरी चोट आई थी। उनका जो पैर पोलियो की वजह से छोटा रह गया था वो भी टूट गया। इसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी गई। उनके शरीर के साथ ही उनका डॉक्टर बनने का सपना भी टूट गया। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ्रिडा कहालो ने पेंटिंग के साथ हाथ आजमाने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो उनकी पेंटिंग्स के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज है। बिस्तर पर लेटे फ्रिडा को चित्रकला ने वो पंख दिए जिनके सहारे उनके सपने उड़ान भरने लगे। फ्रिडा कहालो ज्यादातर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते थे। ये पेंटिंग्स उनके ही जीवन की कहानी थी। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग का नाम है सेल्फ पोर्ट्रेट विथ थॉर्न नेकलेस एंड हमिंग बर्ड। इसमें उनके गले में एक कांटो का हार है और इस हार के साथ ही एक मृत पंछी पेंडेंट की तरह लटका है। सिर के ऊपर कुछ तितलियां मंडरा रही है और उनके एक कंधे पर एक काली बिल्ली और दूसरे कंधे पर एक बंदर है। वैसे तो किसी पेंटिंग के छिपे संदेश को समझना आसान नहीं होता, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में एक मशहूर परिभाषा है कि फ्रिडा कहालो इसके जरिए पति के साथ अपने टूटे रिश्ते को बयां करना चाहती थी। गले में पड़ा कांटों का हार उनकी तकलीफों को बता रहा है और काली बिल्ली दुर्भाग्य का संकेत मानी जा रही है। बंदर उनके गले में पड़े कांटों को हार को खींच रहा है, जिससे उनके शरीर से खून निकल रहा है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक जंगली बंदर फ्रिडा के पति ने उन्हें तोहफे में दिया था। उनके पीछे मंडराती तितलियां और घना जंगल ये बताता है कि बाहर से जीवन हरा भरा दिखाई दे, लेकिन इच्छाओं का जंगल कई बार दम घोटता है। फ्रिडा कहालो के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अपने इस दर्द को बयां करने के लिए भी फ्रिडा ने पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को नाम दिया था ब्रोकन कॉलम। इस पेंटिंग में स्टील का एक कॉलम उनके शरीर के बीच से गुजर रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के जरिए वो शरीर में लगी चोटों को और असहनीय दर्द को बयां करना चाहती थी। फ्रिडा कहालो की 30 से ज्यादा सर्जरी हुई थी, लेकिन उनकी चोट कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। इसे बयां करते हुए उन्होंने एक हिरन की पेंटिंग निकाली, जिसका चेहरा उन्होंने खुद का निकाला। इस हिरन के शरीर में
9 तीर लगे हुए हैं और हिरण के शरीर से खून बह रहा है। इस पेंटिंग के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी सफल सर्जरीज को इस पेंटिंग के जरिए बयां किया है। फ्रिडा कहालो की कई सारी पेंटिंग्स पहली नजर में बहुत दर्द भरी लगती है, लेकिन जो जीवन को समझता है वो सबसे पहले अपने दर्द का विश्लेषण करता है और फिर खुशियों के कैनवस पर अपनी आत्मा को दर्शाता है। फ्रिडा कहालो ने भी यही किया और वो यही कर रही थी। उस जमाने में भी एक सशक्त और स्वतंत्र महिला थी और उन्होंने कभी समाज की पाबंदियों की परवाह नहीं की। उनके पति डिएगो रिवेरा एक मशहूर कलाकार थे, लेकिन उनके पति के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। जीवन के आखिरी दिनों में संक्रमण की वजह से फ्रिडा का एक पैर डॉक्टर को काटना पड़ा, लेकिन फ्रिडा कहती थी कि उन्हें पैरों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। वो ये भी कहती थी उनके दुख हमेशा उन्हें डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने तैरना सीख लिया है। फ्रिडा कहालो कहती थी कि वे खुद के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती है, इसीलिए उनका प्रिय विषय है खुद, और इसीलिए वो अपनी खुद की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती थी। भारतीय ड्रेसअप में फ्रिडा कहालो की ये तस्वीर वर्ष 2016 में सामने आई थी। इसमें उनके साथ मशहूर भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल और उनकी छोटी बहन रीता दार है। नयनतारा सहगल और रीता दार विजयलक्ष्मी पंडित की पुत्रिया है। विजयलक्ष्मी पंडित सोवियत रूस में भारत की पहली राजदूत थी। विजयलक्ष्मी पंडित भारत के पहले पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कहा जाता है कि नयनतारा सहगल की फ्रिडा कहालो से ये मुलाकात वर्ष 1947 में फ्रिडा कहालो के घर कासा अजूर में हुई थी। नीले रंग का घर फ्रिडा कहालो का पारिवारिक घर था और 1958 में इसे फ्रिडा कहालो की याद में एक म्यूजियम में बदल दिया गया। ये म्यूजियम फ्रिडा कहालो के जीवन और उनकी कला को समर्पित है और हर महीने यहाँ पे 25,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। फ्रिडा की एक मशहूर पेंटिंग द वुंडेड डियर में कर्मा शब्द लिखा है जो भारतीय शब्द है, यानी फ्रिडा की पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन की भी छाप थी।